आज एक पेंटिंग करने के लिए लगभग 60 से 65 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ा। ये अब अफसोस हो रहा है कि पहले क्यों नहीं आया। हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक अगेन। पिछले एक महीने से मैं अपने गांव में हूँ, बिहार में, और आप लोग रेगुलर वीडियोस भी देख रहे हैं और काफ़ी सारी पेंटिंग्स की है यहाँ पे। लेकिन आज फर्स्ट टाइम जो है मैं अपने गांव से निकल के जो मुजफ्फरपुर का मेन सिटी है वहाँ विजिट करने वाला हूँ पेंटिंग के लिए। और ये मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैं मुजफ्फरपुर सिटी में विजिट कर रहा हूँ। मैं बचपन से यहाँ आता हूँ गाँव में, लेकिन कभी सिटी में जाने का मौका नहीं मिला। तो आज प्लान बना है सिटी में जाके कुछ पेंटिंग करने का। वहाँ पे एक बहुत ही सुंदर सा टेंपल है और उसके आसपास का एरिया काफ़ी सुंदर है। साहू पोखर नाम का वो प्लेस है, तो मैंने इंटरनेट पे देखा था वो प्लेस कल ही और मुझे काफ़ी पसंद आया था, तो मैं आज वहाँ विजिट करने की सोच रहा हूँ। मेन सिटी जो है यहाँ से गाँव से काफ़ी दूर है। पहले मुझे घर से यहाँ के मार्केट में जाना होगा, वहाँ से कुछ पब्लिक ट्रांसपोर्ट पकड़ के, लोकल बस या ऑटो पकड़ के मुझे मेन सिटी जाना होगा। और वहाँ पर मेरा एक कज़न आएगा मुझे रिसीव करने के लिए, जो कि मुझे मेरे लोकेशन तक पहुंचाएगा। तो काफ़ी लंबा है सफ़र, और घर से मार्केट जाने के लिए मैं अपना ये विंटेज स्कूटर लेकर जा रहा हूँ। इसी विंटेज स्कूटर पे, काफ़ी पुराना स्कूटर है यह हमारा, और इस पर मैं घर से मार्केट तक जाऊँगा, जो कि अराउंड 1.5 किलोमीटर के आसपास है। और काफ़ी पुराना स्कूटर है, इसीलिए इसको लेकर ज़्यादा दूर जाना सेफ़ नहीं है, तो इसे हम लोग सिर्फ लोकल यूज़ के लिए रखते हैं। ओके, तो निकलते हैं मेन सिटी के लिए। मैं भी फर्स्ट टाइम ही जा रहा हूँ, तो घूमते फिरते चलेंगे और फिर लोकेशन पे पहुँच के कुछ अच्छा सा पेंटिंग करेंगे। मे बी आज कुछ स्टूडेंट्स भी हमें ज्वाइन करें पेंटिंग के लिए। यही है यहाँ का मेन मार्केट, अभी सुबह के टाइम पे सब बंद है। और ये ऑटो मिल गया जाने के लिए, थोड़ा ऑटो का फुल होने का इंतजार है, उसके बाद यहाँ से निकलेगा। लगभग 1 घंटा लगेगा यहाँ से जाने में, इतना लंबा सफ़र इस ऑटो में करना है अभी। फाइनली पहुंच गए मेन सिटी में, और दिखाता हूं आपको आसपास का लोकेशन। जो है मुजफ्फरपुर मेन सिटी का स्टार्टिंग है। अभी यहां पे मेरा कज़न आने वाला है मुझे पिक करने के लिए, उसके बाद फिर चलेंगे लोकेशन पे। अभी चाचा चाची के घर थोड़ा विजिट करेंगे, उसके बाद फिर पेंटिंग के लिए निकलेंगे।
सो फाइनली लोकेशन पे आ गया हूँ, और जैसे एक्सपेक्ट किए थे उससे काफ़ी अच्छा लोकेशन है। फ़ोटो से काफ़ी अच्छा लगता है सामने से। दिखाता हूँ मैं अभी आपको लोकेशन पूरा अच्छे से। तो ये हमारा आज का मेन सब्जेक्ट, आज जो कर रहे हैं वो पेंटिंग फिनिश करते हैं। आई होप पेंटिंग करते करते बारिश ना आए। वहाँ सामने से हम लोग पेंटिंग कर रहे हैं, वहाँ पे आपको दो स्टूडेंट मिलेंगे, वहीं पे मैं भी पेंटिंग कर रहा हूँ। सो आई होप आपको लोकेशन पसंद आया, और ये मेरा फर्स्ट विजिट है यहाँ मुजफ्फरपुर मेन सिटी में। मैंने कल ऐसे गूगल पे सर्च किया व्हाट आर द प्लेसेस टू विजिट इन मुजफ्फरपुर, और मुझे ये प्लेस का पिक्चर दिखा था, काफ़ी अच्छा लगा था पिक्चर, लेकिन सामने से ये प्लेस और ज़्यादा सुंदर है। अब जो मैं यहाँ आ गया हूँ तो मुझे अफसोस हो रहा है कि मैं यहाँ पहले क्यों नहीं आया। मैं लास्ट एक महीने से यहीं पर हूँ, लेकिन गाँव से बाहर निकला नहीं, निकलना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं। आज जो पेंटिंग स्टार्ट की है उसको फिनिश करते हैं, देखते हैं टाइम मिला तो फिर आया जाएगा। ऐसे तो मेरा प्लान है 2 दिन के बाद पटना निकलने का, पटना में थोड़ा काम है, फिर वहाँ से मुझे शायद वेस्ट बंगाल जाना पड़ेगा कुछ अर्जेंट काम की वजह से। तो शायद ये मुजफ्फरपुर में मेरा लास्ट पेंटिंग हो, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि अगर एक दो पेंटिंग और हो जाए तो, वैसे चांस तो कम है, देखते हैं। एक घंटा फिर ऑटो में, लास्ट एक साल में जितना ऑटो में नहीं बैठे हैं उतना एक दिन में घूम लिए, 50-50 किलोमीटर ऑटो में। सो अभी बाइक पे बस एक दो चक्कर लगा के वापस फिर ऑटो स्टैंड जाना है। जाने से पहले एक पान मीठा मीठा। चला जा रही है बढ़ जाइए, ठीक से अंदर घुसिए ना।
सो फाइनली आज का लास्ट ऑटो राइड ख़त्म हुआ। आज एक पेंटिंग करने के लिए लगभग 60 से 65 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ा, आना और जाना मिला के, जिसमें कि 50 प्लस किलोमीटर ऑटो में था और काफ़ी टायरिंग डे है, धूप भी काफ़ी तेज है। अभी ऑटो से उतरा, अभी लगभग 1 किलोमीटर पैदल चलना होगा घर के लिए। सो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, और पसंद आया तो बाकी लोगों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आज का जो पेंटिंग था, मोस्ट प्रोबेबली मुजफ्फरपुर का लास्ट पेंटिंग होगा, और नेक्स्ट मैं पटना विजिट करने वाला हूँ 2-3 दिन में। यहाँ पे कुछ काम है, उस काम को फिनिश करके पटना विजिट करेंगे, पटना आर्ट कॉलेज घूमेंगे और एक दो पेंटिंग करेंगे पटना में, और फिर पटना से एक नए डेस्टिनेशन पे चलेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।